आपको सुनकर दुख होगा, मुझे बहुत कांटे की तरह से ये चुभता है। 1860s में जब सबसे पहले इंडियन इनकम टैक्स आया, अंग्रेजों ने 97% इनकम टैक्स लगाया था। माने आप 100 रुपए कमाई कर रहे हैं तो 97 रुपए अंग्रेजी सरकार को दीजिए, 3 रुपए अपने पास रखिए। और वो 97% इनकम टैक्स हिंदुस्तान में आजादी आने के 35 साल बाद तक लगा रहा, आजादी आने के 35 साल बाद तक लगा रहा। मेरे समझ में ये नहीं आता कि इनकम पर टैक्स क्यों होना चाहिए, प्रोडक्शन पर टैक्स क्यों होना चाहिए। कोई आदमी अपनी पूंजी लगाकर, अपना दिमाग लगाकर, अपनी मेहनत करके समाज को उत्पादन करके दे रहा, उस पर टैक्स क्यों होना चाहिए? उसको तो प्रमोशन करने के लिए सरकार को और मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है, ये तो बहुत बड़े हुनर का काम वो कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि ये भारत सरकार इतनी इनकम टैक्स लगाती है, फिर उसके पहले अंग्रेज लगाते थे, अंग्रेजों के पहले कितना था? आपको सुनकर हैरानी होगी, 10वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान में कोई इनकम टैक्स नहीं था। और 10वीं शताब्दी तक ये हिंदुस्तान चलता रहा एक अर्थशास्त्र पर, जिसको चाणक्य अर्थशास्त्र कहा जाता है। चाणक्य मानता है कि इनकम पे तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स अगर लेना है तो कैसे लेना चाहिए। बड़ी सुंदर बात वो कहता है अपनी अर्थशास्त्र की किताब में। वो कहता है जैसे मधुमक्खी फूल में से रस लेती है लेकिन फूल को निचोड़ नहीं लेती, फूल में से उतना ही रस लेती है जिससे फूल भी बचा रहे और उसकी भी क्षुधा पूरी हो जाए, तो राजा को उतना ही टैक्स लेना चाहिए। तो कोई कहता है आप इसका परसेंटेज तय कर दो, तो चाणक्य कहता है 5% से ज्यादा टैक्स कभी नहीं होना चाहिए। और वो कहता है जब इमरजेंसी हो जाए, बाहरी हमला हो जाए, तो वो 5% का टैक्स मैक्सिमम 15% तक जाना चाहिए, इसके आगे वो भी नहीं जाना चाहिए। तो 10वीं 11वीं शताब्दी तक ये देश चलता रहा चाणक्य अर्थशास्त्र से, तब ये भारत सोने की चिड़िया हो गया। उसके बाद ये चला विदेशी अर्थशास्त्र से, माने विदेशी आए, उन्होंने रूल किया, नए नए टैक्स के कानून बनाए, उसके बाद अंग्रेजों ने तो सत्यानाश कर दिया, तब से ये देश गिरता चला गया। तो अंग्रेजों ने बहुत सुंदर तरीके से इस देश को खत्म किया टैक्सेशन के सिस्टम से।